10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages 0. Are ignited. First stage separated, second stage ignited. Engine jibber. Payload fairing separated. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Plus 5 seconds. Off normal. A perfect liftoff. GSLV F-14 inside 3DS progressing towards its destination. Performance normal. जी हाँ, अभी हमने देखा चारों L-40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ. Clear sky. We can see the rocket very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं. सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ. प्लस 1 मिनट. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा चार L40 स्टेप ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए. प्रेजेंटली द कोर बूस्टर एंड द फोर L40 स्टेप ऑन्स थ्रस्टिंग साइमल्टेनियसली. S-139 scheduled to burn 410 seconds. S-39 stage burn out. Animated view में आप देख पा रहे हैं चार L-40 तथा core booster S-139 प्रज्वलित है. First stage performance normal. Core booster अब बर्न आउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L-40 अभी भी जारी हैं. इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा. द फोर L-40s थ्रस्टिंग प्रेजेंटली. द लॉन्च व्हीकल इज बीइंग ट्रैक्ड बाय द ट्रैकिंग स्टेशन एट शार. 40 स्टेजेस थ्रस्ट कट ऑफ. फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इग्नाइटेड. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही GS-2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. देयर आर अ क्विक सक्सेशन ऑफ सेवरल फ्लाइट इवेंट कंफर्मेशंस बाय द रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर. Plus 3 minutes. First stage comprising of the S-139 and L-40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण GSLV F-14 का प्रज्वलनरत है. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है. इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिबर. पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है. अब यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है. यह घने वातावरण को पार कर चुका है. 4 मिनट्स. डेंस एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रॉस्ड बाय द लॉन्च व्हीकल एंड हेंस द पेलोड फेयरिंग हैज बीन सेपरेटेड.
Presently, Shah ground station continues to track and Port Blair station has started to acquire the data. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक करते हुए. The planned burn time of GS2 is 141.4 seconds. क्रायोपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है जीएसएलवी एफ 14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथकन होगा. स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ इग्निशन कमांडेड. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है. स्टेज इग्निशन कंफर्म. A jubilant atmosphere here in the mission control center as the confirmation of the CUS engine startup has been obtained. जी हाँ, सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन, जिसकी पुष्टि हो चुकी है वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है. क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकेंड. बर्न टाइम फॉर क्रायोजेनिक अपर स्टेज इज 814 सेकेंड्स. सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल. Cryo stage performance normal. Present relative velocity is close to 5 kilometers per hour. The cryo stage. I'm sorry, the relative velocity presently is 5 kilometers per second. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए. इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: इनसेट 3DS पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए, मौसम विज्ञान के महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण का परीक्षण करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा तैयार करना, डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना, उपग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना. यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसेट 3DS यात्रारत है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर. प्लस 8 मिनट्स. द सैटेलाइट इनसेट 3DS इज फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. वेरियस ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स सच एज इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD, National Center for Medium Range Weather Forecasting NCMRWF, Indian Institute of Tropical Metrology IITM, National Institute of Ocean Technology NIOT, and Indian National Center for Ocean Information Services INCOIS, and various other agencies and institutes will be using INSAT 3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services. इनसेट 3DS उपग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है. क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस. इस उपग्रह का अक्ष नियंत्रण शून्य संवेग अग्निटी तंत्र पर निर्धारित है, जो 4 रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा.
इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एम्पियर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है जो लगभग 1.6 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है। इनसेट 3DS के निर्भार में 6 चैनल इमेजर है, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उपग्रह सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं। इन सभी निर्भारों के द्वारा इनसेट 3DS मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। +10 मिनट मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और ऐसे कई प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों के साथ इसे साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा। इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है। अब यान की ऊंचाई 136 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वी आर क्लोज टू 11 मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम। पोर्ट ब्लेयर स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग and Brunei station will shortly start to acquire the data. INSAT 3DS satellite carries a multispectral imager or optical radiometer capable of generating images of Earth and its environment in 6 wavelength bands. Atmospheric motion vectors are derived by tracking clouds or water vapor pattern in successive satellite images. AMV includes information on wind speed and direction. The 19-channel sounder payload will provide the information on the vertical profiles of the atmosphere, sea and land surface temperature, cloud properties, and microphysical parameters, upper tropospheric humidity, humidity profiles, +12 minutes, and total ozone, etc. to study about atmosphere, land, and ocean. Data Relay Transponder receives global meteorological, hydrological and oceanographic data from automatic data collection platforms or automatic weather stations from multiple users and relays back to user terminal. The data products that generated cater to varied range of applications. The history of automatic weather stations in India can be traced back to 1980 when IMD conducted a pilot experiment with ISRO to operate small network of data collection platforms via satellite for Earth observation to the receiving station at Sriharikota. Cryo stage performance in 1997, the AWS network was upgraded. IMD has a network of many AWS agro